أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Here is Taimur Hamid and you are watching me on my YouTube channel Universe of Physics If you didn't subscribe my channel so please subscribe and like it first and press the bell icon Today our topic of discussion is electric flux through a closed surface In our previous lecture we will discuss in detail about electric flux maximum flux minimum flux and flux at any other angle in detail आज जो हम डिस्कशन करेंगे वो थ्रू आउट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सर्फिस पे के ऊपर करेंगे जो आपके सामने ये मैंने एक सर्फिस क्या की हुई है ड्रा की हुई है ठीक है इसके अलावा हमने क्लोज सर्फिस के लॉन्ग पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फ्लक्स नेगेटिव इलेक्ट्रिक फ्लक्स और जीरो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को एंड में क्या करना है इंशाल्लाह एक्सप्लेन करना है तो स्टार्ट लेते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सर्फिस का कंसिडर करें कि हमारे पास ये क्लोज सर्फिस है कंसिडर करें हमारे पास एक क्लोज सरफेस है और इस क्लोज सरफेस के इनसाइड मैंने एक पॉजिटिव सोर्स चार्ज को क्या किया हुआ है प्लेस किया हुआ है कंसिडर अ क्लोज सरफेस हैविंग पॉजिटिव सोर्स चार्ज इनसाइड इट ठीक है अब जो ये क्लोज सरफेस होगी इस क्लोज सरफेस के इनसाइड जितना भी रीजन होगा वो इस पॉजिटिव सोर्स चार्ज की हमारे पास क्या होगी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो इस पॉजिटिव सोर्स चार्ज की हमारे पास क्या होगी इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि हर एक डायरेक्शन में हमारे पास क्या होगी रिप्रेजेंट की होगी अगर यहाँ पे मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रिप्रेजेंट करूँ तो वो हर एक डायरेक्शन में मेरे पास इस क्लोज सरफेस के लांग क्या हो रही जा रही होंगी ठीक है अब सबसे पहली बात आपको पता होनी चाहिए कि जो क्लोज सरफेस है यहाँ पे ये इन द फॉर्म ऑफ स्फीयर है सबसे पहली बात जो हमारे पास क्या है क्लोज सरफेस है ये हमारे पास इन द फॉर्म ऑफ स्फीयर है ठीक है अब जब इन द फॉर्म ऑफ स्फीयर होगी तो ये हमारे पास जो चार्ज है ठीक है मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में कि जो चार्ज होता है उसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो हमारे पास चार्ज के सराउंडिंग में स्फीयर की फॉर्म में होती है ठीक है तो इस चार्ज की जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो भी हमारे पास स्फीयर की फॉर्म में हर डायरेक्शन में क्या होगी यहाँ पर मौजूद होगी जिसकी वजह से जब वो इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे पास इस क्लोज सर्फेस में हर डिफरेंट डायरेक्शन पर होगी तो यहाँ पर मेरे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड फिर होगी वो क्या होगी नॉन यूनिफॉर्म होगी इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉन यूनिफॉर्म अब एरिया भी मेरे पास क्लोज्ड है क्लोज सरफेस है ठीक है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी मेरे पास क्या है नॉन यूनिफॉर्म है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स में हमने जितनी भी डिटेल डिस्कशन की थी उसमें हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म थी पहली बात और जो एरिया हमारे पास था वो फ्लैट था वो प्लेन एरिया था ठीक है तो सबसे पहले इस क्लोज सरफेस को और इस नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने क्या करना है स्प्लिट करना है नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने यूनिफॉर्म बनाना है और इस क्लोज सरफेस को हमने क्या बनाना है ऑलमोस्ट फ्लैट बनाना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि ये जो हमारे पास सारी की सारी क्लोज सरफेस होगी ये जो सारी की सारी हमारे पास क्या होगी क्लोज सरफेस इसको हम स्मॉल इक्वल नंबर ऑफ पैचेस पर क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे यानी ये सारी की सारी जो सरफेस होगी इसको छोटे छोटे स्मॉल पैचेस में हम क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे सारी क्लोज सरफेस को और हर एक जो पैच होना चाहिए हमारे पास उसका एरिया हमारे पास क्या होना चाहिए सेम होना चाहिए और एज्यूम करना है हमने यहाँ पे कि जो वो हमारे पास स्मॉल एरिया है उस पैच का वो हमारे पास ऑलमोस्ट क्या है फ्लैट है जब वो स्मॉल एरिया पैच का हमारे पास ऑलमोस्ट फ्लैट हो जाएगा तो फ्लैट एरिया के लांग हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो क्या होगी यूनिफॉर्म होगी तो यहाँ पर हम स्टार्ट कैसे करेंगे कंसिडर A closed surface having source charge Q inside it, having source charge Q inside it. इसके बाद to find electric flux through this surface we can divide whole surface into small patches of equal area अब वो जो small patches होंगे उनका area equal होगा और वो area हमारे पास क्या होगा delta A1 delta A2 डेल्टा ए थ्री अप टू सो ऑन डेल्टा ए एन एज्यूम डैट द एरिया ऑफ दीज पैचेज आर ऑलमोस्ट फ्लैट एंड
field along each small area is uniform and field along each small area is uniform. ये सारी जो डिस्कशन अभी हमने की उसको हमने यहाँ पे साथ रिटर्न फॉर्म में क्या कर दिया, एक्सप्लेन कर दिया. अब सबसे पहले हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करना है स्मॉल एरिया डेल्टा ए वन के लिए. अब एज वी नो डैट इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू ई डॉट ए, यानी कि जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो हमारे पास स्केलर आर डॉट प्रोडक्ट होता है किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स का और एरिया वेक्टर ए का. ठीक है, टू फाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स फॉर एरिया डेल्टा ए वन, डेल्टा ए वन एरिया का जब हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, फाइ वन इज इक्वल टू ई डेल्टा ए वन. अब मैंने यहाँ पे ई वन नहीं लिखा, क्यों, क्योंकि जब हमारे पास ये एरिया जो होंगे स्मॉल एरिया जो हमारे पास हैं, जब ये हमारे पास फ्लैट हो जाएंगे, जब इनको हम एज्यूम फ्लैट कर लेंगे तो इक्वल इनका एरिया होगा. ठीक है, तो हर एक जो हमारे पास स्मॉल एरिया होगा उसमें हमारे पास सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, यूनिफॉर्म होगी, मतलब वो सेम होगी. इसलिए मैंने लिख दिया है फाइ वन इज इक्वल टू ई डॉट डेल्टा ए वन. अब यहाँ पे जो हमारे पास हर एक स्मॉल एरिया है उसमें हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है और एरिया वेक्टर है, ठीक है, वो एक दूसरे के क्या है, पैरेलल हैं, वो एक दूसरे के क्या है, पैरेलल हैं. जब वो एक दूसरे के पैरेलल होंगे तो इन दोनों के दरमियान एंगल कितना बनेगा, हमारे पास जीरो डिग्री बनेगा. तो हम इसको लिख सकते हैं फाइ वन इज इक्वल टू ई डेल्टा ए वन कॉज ऑफ थीटा. अब यहाँ पे एंगल थीटा मेरे पास क्या है, जीरो है. हेयर एंगल थीटा इज इक्वल टू जीरो डिग्री. जब जीरो डिग्री होगा तो फाइ वन इज इक्वल टू ई डेल्टा ए वन कॉज ऑफ जीरो. कॉज जीरो वन के इक्वल होता है, एज कॉज जीरो इज इक्वल टू वन, तो आपके पास क्या हो जाएगा, फाइ वन इज इक्वल टू ई डेल्टा ए वन इंटू वन. तो आप इसको अरेंज करके लिखेंगे फाइ वन इज इक्वल टू ई डेल्टा ए वन. ये आपके पास किसका एरिया आ गया, स्मॉल एरिया ए, जो आपके पास स्मॉल पैच है जिसका एरिया डेल्टा ए वन है उसका आपके पास क्या आ गया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स. इसी तरह सिमिलरली फॉर एरिया डेल्टा ए टू, जो आपके पास एरिया डेल्टा ए टू होगा उसके लिए आपके पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, फाइ टू इज इक्वल टू ई डेल्टा ए टू. ठीक है, इस तरह थर्ड के लिए क्या होगा, डेल्टा ए थ्री. ठीक है, अप टू सो ऑन. ठीक है, जो हमारे पास लास्ट पैच होगा स्मॉल यूनिट एरिया होगा, ठीक है, जिसको हम डेल्टा एन से फ्लक्स फाइ एन से रिप्रेजेंट करेंगे, तो इसका हमारे पास फ्लक्स क्या होगा, ई डेल्टा ए एन. ये हमारे पास इक्वेशन क्या आ जाएगी, एनथ इक्वेशन आ जाएगी, लास्ट इक्वेशन आ जाएगी. अब हमने हर एक पैच का, हर एक स्मॉल एरिया का टोटल फ्लक्स, हर एक स्मॉल एरिया का फ्लक्स फाइंड कर लिया. अब इन सारों का हमने टोटल फ्लक्स फाइंड करने हैं, सारे स्मॉल पैचेस का. टू फाइंड टोटल फ्लक्स ऑफ ऑल स्मॉल पैचेस वी ऐड ऑल ऑफ दीज, हम उन सबको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे. तो आपके पास क्या आ जाएगा, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो आपके पास होगा फाइ वन प्लस फाइ टू प्लस फाइ थ्री प्लस अप टू सो ऑन प्लस फाइ एन. अब हर एक की वैल्यू लिखते हैं, टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू ई डेल्टा ए वन प्लस ई डेल्टा ए टू प्लस ई डेल्टा ए थ्री प्लस अप टू सो ऑन प्लस ई डेल्टा ए एन. अब देखें जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो हर एक में, हर एक स्मॉल एरिया में, हर एक स्मॉल पैच में हमारे पास क्या है, यूनिफॉर्म है, सेम है. तो उसको हम बाहर लिख लेंगे, टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू ई इंटू डेल्टा ए वन प्लस डेल्टा ए टू प्लस डेल्टा ए थ्री प्लस अप टू सो ऑन प्लस डेल्टा ए एन. अब देखें इसके बाद ये सारी टर्म लिखने के बाद मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू ई एज इट इज़. अब ये सारे का सारा जो हमारे पास एरिया है, ठीक है, इसको जब टोटल लिखेंगे, टोटल एरिया कंसिडर करेंगे, तो हम इसको समेशन की फॉर्म में लिखेंगे. तो समेशन आई इज इक्वल टू वन अप टू एन
डेल्टा ए आई। अब आई इज इक्वल टू वन अप टू एन, यानी जो हमारे पास डेल्टा ए आई की जगह वन लिखेंगे तो हमारे पास एक स्मॉल एरिया का क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ जाएगा। आई की जगह टू लिखेंगे, थ्री लिखेंगे, फोर लिखेंगे, अप टू एन लिखेंगे तो हर एक का हमारे पास क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ जाएगा। तो इसको टोटल फॉर्म में हमेशा लिखते होते हैं समेशन आई इज इक्वल टू वन अप टू एन डेल्टा ए आई, या इसको आप मजीद सिंप्लीफाई करके इस तरह भी सकते हैं, डेल्टा टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू समेशन आई इज इक्वल टू वन अप टू एन ई डेल्टा ए आई। अब ये जो हमारे पास इक्वेशन है, दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट्स द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सर्फिस, यानी ये जो हमारे पास इक्वेशन है ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सर्फिस को क्या कर रही है, रिप्रेजेंट कर रही है। तो हम साथ यहाँ पे लिख लेते हैं, दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड सर्फिस, यानी ये जो हमारे पास इक्वेशन है, दिस इक्वेशन आर दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट्स द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सर्फिस। अब इसके बाद हमने फाइंड करना है कि क्लोज सर्फिस में हमारे पास पॉजिटिव फ्लक्स कब होता है, नेगेटिव फ्लक्स कब होता है और जीरो फ्लक्स कब होता है, ठीक है। इन क्लोज सर्फिस, ठीक है, क्लोज सर्फिस में फ्लक्स में भी पॉजिटिव, में भी नेगेटिव और में भी जीरो, डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। वो किस पे डिपेंड करता है कि हमारे पास किस तरह नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उस सरफेस से लीव हो रही है या उस सरफेस में एंटर हो रही है, ठीक है। तो अब उसको हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, इन केस ऑफ क्लोज सरफेस, क्लोज सरफेस के केस में फ्लक्स विल बी पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो, डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ फील्ड लाइन्स एंटरिंग और लीविंग द सरफेस। यानी कि हमारे पास क्लोज सरफेस में जो फ्लक्स है वो हमारे पास पॉजिटिव भी हो सकता है, वो नेगेटिव भी हो सकता है, वो जीरो भी हो सकता है, लेकिन वो डिपेंड किस पे करता है, ये नंबर ऑफ लाइंस जो आप पास नंबर ऑफ फील्ड लाइंस हैं वो सरफेस से सरफेस में इंटर हो रही हैं या सरफेस से क्या हो रही हैं, लीव हो रही हैं, उस पे डिपेंड करता है। तो सबसे पहले हम पॉजिटिव फ्लक्स की बात करते हैं, पॉजिटिव फ्लक्स। अब फ्लक्स आपके पास पॉजिटिव उस वक्त होगा, फ्लक्स विल बी पॉजिटिव When number of electric field lines leaving the surface, जब हमारे पास number of electric field lines surface से क्या हो रही होंगी, leave हो रही होंगी। अब देखें ये मेरे पास एक closed surface है, अब इस closed surface में जो हर एक point पे जो आपके पास इस closed surface का unit vector होगा वो इसके along, हमारे पास इसके along क्या होगा, normal पे होगा, ठीक है, वो outward direction में होगा, ठीक है। अब जो हमारे पास positive flux होगा, पॉजिटिव फ्लक्स से मुराद ये है कि हमारे पास अंदर जो चार्ज होगा, सोर्स चार्ज इस क्लोज सरफेस में, वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। जब सोर्स चार्ज हमारे पास पॉजिटिव होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होंगी इस क्लोज सरफेस से किधर जाएंगी, लीव करके बाहर जाएंगी, ठीक है। तो इसीलिए कहते हैं कि पॉजिटिव फ्लक्स, हमारे पास पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फ्लक्स उस वक्त होता है जब हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज सरफेस से क्या कर रही होती है, लीव कर रही होती है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज सरफेस से क्या कर रही होती है, लीव कर रही होती है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, When electric field lines leaving from closed surface या leaving from surface, then flux will be positive। तो उस वक्त फ्लक्स आपके पास क्या होगा, पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ फील्ड लाइन्स हमारे पास जब सरफेस से लीव हो रही होंगी तो हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी और उस सरफेस के लांग हमारे पास जो एरिया वेक्टर होगा वो एक दूसरे के क्या होंगे, पैरेलल होंगे। जब वो एक दूसरे के पैरेलल होंगे तो हमारे पास ई ए कॉज ऑफ थीटा होता है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फार्मूला। तो जब हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और यूनिट एरिया वेक्टर जो हमारे पास है जब जो एक दूसरे के पैरेलल होंगे तो उनके दरमियान एंगल कितना होगा, जीरो होगा। जब एंगल हमारे पास जीरो होगा तो कॉज जीरो ऑटोमेटिकली हमारे पास किसकी इक्वल होता है, वन की इक्वल होता है। तो आपके पास क्या आ जाएगा, फाई इज इक्वल टू ई ए काज ऑफ जीरो, काज जीरो वन की तो होता है, फाई इज इक्वल टू ई ए, इट्स मीन फ्लक्स आपके पास क्या होगा, पॉजिटिव होगा। इसी तरह नेगेटिव फ्लक्स कब होगा, आप दूसरी हेडिंग यहाँ पे हम दे देते हैं नेगेटिव फ्लक्स की, ठीक है। अब नेगेटिव फ्लक्स में क्या होगा, जब हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स
उस क्लोज सरफेस के अंदर इंटर हो रही हूँ। व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर एंटरिंग टू द सरफेस, जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमारे पास किसी सरफेस में क्या हो रही हूँ, इंटर हो रही हूँ, तो उस वक्त हमारे पास फ्लक्स क्या होता है, नेगेटिव होता है। उस वक्त फ्लक्स क्या होता है, नेगेटिव। क्यों? क्योंकि जो हमारे पास इस सरफेस के अलॉन्ग वेक्टर है, वेक्टर एरिया, उसकी डायरेक्शन तो हमारे पास किधर है, आउटवर्ड की तरफ है। उसके इस सरफेस के अलॉन्ग नॉर्मल है, आउटवर्ड है। यहाँ पे देखेंगे आउटवर्ड, यहाँ पे देखेंगे आउटवर्ड, नॉर्मल होगी। लेकिन जो हमारे पास जब चार्ज यहाँ पे नेगेटिव होगा, जब चार्ज यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, नेगेटिव, तो नेगेटिव चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स होती हैं उसकी जो हमारे पास डायरेक्शन होती है वो किधर होती है, इनवर्ड होती है। इट्स मीन जब हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स जो होंगी वो इंटर हो रही होंगी सरफेस के अंदर, ठीक है, तो हमारे पास उस वक्त फ्लक्स क्या होगा, नेगेटिव। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आर एंटरिंग इनवर्ड टू द सरफेस देन फ्लक्स विल बी नेगेटिव। तो उस वक्त हमारे पास फ्लक्स क्या होगा, नेगेटिव। इसको भी यहाँ पे हम मैथमेटिकल प्रूफ भी बता देते हैं। फ्लक्स हमारे पास क्या होता है, ई ए कॉज ऑफ थीटा। अब ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, और ए क्या है, एरिया वैक्टर, ठीक है। तो एरिया वैक्टर तो इस सरफेस के लांग हर पॉइंट पर हमारे पास क्या होगा, इस सरफेस के नॉर्मल के लांग होगा, ठीक है, इस सरफेस के लांग नॉर्मल होगा। और इसी तरह जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स होगी वो किधर होंगी, हमारे पास इनवर्ट होंगी नेगेटिव सोर्स चार्ज की। तो जब हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स इनवर्ट की तरफ होंगी, ठीक है, इंटर हो रही होंगी सरफेस के अंदर, और इसके जो हमारे पास एरिया वेक्टर होगा वो आउटवर्ड होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स और एरिया वेक्टर के दरमियान एंगल कितना बनेगा, 180 बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, फाई ई ए काज ऑफ 180। अब काज 180 जो हमारे पास होता है, काज 180 डिग्री, वो हमारे पास -1 के इक्वल होता है। तो आपके पास क्या हो जाएगा, ई ए इंटू -1, या आपके पास जो फ्लक्स होगा वो आपके पास क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। फ्लक्स आपके पास क्या हो जाएगा, नेगेटिव। अब लास्ट है हमारे पास जीरो फ्लक्स, लास्ट हमारे पास क्या है, जीरो फ्लक्स। अब जीरो फ्लक्स उस वक्त होगा जब हमारे पास व्हेन इक्वल नंबर ऑफ फील्ड लाइंस आर एंटरिंग एंड लीविंग द सरफेस। यहां पे पहले मैं लिख देता हूं, व्हेन इक्वल नंबर ऑफ फील्ड लाइंस आर एंटरिंग एंड लीविंग द सरफेस, यानी जब इक्वल नंबर ऑफ लाइन्स हमारे पास फील्ड लाइन्स सरफेस के अंदर इंटर भी हो रही होंगी और सरफेस से लीव भी कर रही होंगी, तो उस वक्त जो हमारे पास फ्लक्स होगा वो क्या होगा, जीरो फ्लक्स होगा। उस वक्त फ्लक्स हमारे पास क्या होगा, जीरो। अब देखिए अगर इस सरफेस के अंदर हमारे पास दो चार्जेस मौजूद हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, ठीक है, तो जो पॉजिटिव चार्ज होगा उसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स होगी वो आउटवर्ड जा रही होगी, और नेगेटिव फील्ड चार्ज होगा उसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स होगी वो किधर आ रही होंगी, इनवर्ड आ रही होंगी। तो जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स हमारे पास आउटवर्ड जा रही होंगी उतनी इस सरफेस के अंदर भी आ रही होंगी, ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से हमारे पास फ्लक्स क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है, और नेगेटिव सोर्स चार्ज की वजह से हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो जब दोनों को हम एड अप करेंगे, नंबर ऑफ फील्ड लाइन्स एंटरिंग और लीविंग हमारे पास इक्वल होंगी, तो हमारे पास जो नेट फ्लक्स होगा वो ऑटोमेटिकली क्या आ जाएगा, जीरो, ठीक है। तो नेट फ्लक्स हम अगर यहाँ पे फाइंड करें, टोटल फ्लक्स, तो हमारे पास क्या होगा, ई ए माइनस ई ए, यानी एक ही हो जाएगा और दूसरा क्या हो जाएगा, ये हमारे पास पॉजिटिव सोर्स चार्ज का, ये हमारे पास नेगेटिव सोर्स चार्ज का, कैंसिल हो जाएंगे, नेट फ्लक्स हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो ये था हमारे पास डिटेल डिस्कशन अबाउट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सर्फेस, पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फ्लक्स, नेगेटिव इलेक्ट्रिक फ्लक्स और जीरो फ्लक्स अलॉन्ग अ क्लोज सर्फेस। आई होप कि जितने भी हमारे पास व्यूवर्स होंगे जो इसको सुनेंगे इंशाल्लाह, उनको ये टॉपिक डिटेल से समझ आएगा। अगर इस टॉपिक के लांग आपको कोई भी डिफिकल्टी है, कोई भी क्वेश्चन है, तो आप कमेंट सेक्शन में हमें फीडबैक दे सकते हैं, इंशाल्लाह आपको वहाँ पे उसका क्या दिया जाएगा, रिस्पांस दिया जाएगा। तो नेक्स्ट लेक्चर जो हमारे पास होगा वो एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगी, जो हमारे पास गॉसेस लॉ जिसे हम कहते हैं, वो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम उसको एक्सप्लेन करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू वेरी मच।